व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज हम लोग फाइनली कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग के इनो और चुल्ली के बीच में कि इन दोनों में से हम लोग पास ज़्यादा बेटर ग्रीन कैरेक्टर कौन सा है जो कि हम लोग कोलैब में मिला हुआ है। और इसके लिए हम लोग सिंपली जाएंगे हमारे गिल्ड रेड में। मैं गिल्ड रेड में सीन किया ना कि हम इन लोगों को लूनेटिक में प्ले आउट करना चाहते थे, नहीं इन्फर्नो प्ले आउट करना चाहते थे, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग को वहाँ पर चाहिए पॉइजन और ब्लीड। अब देखो चीज़ ये है ना, इनो और चुल्ली इन दोनों पास ही पॉइजन है, मतलब दिक्कत तो यही है ना कि चुल्ली पास हम लोग डॉट कैसे है, मतलब वो हम लोग का अप्लाइड होता रहता है मगर इनो का तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर ट्राई नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो मगर हम इनो को इन्फर्नो लेकर तो नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर एक्सप्लोजन मिलेगा, हम लोग शील्ड को शेड नहीं कर पाएंगे, हम लोग डैमेज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेकर खेलेंगे लूनेटिक में, और यहाँ पे हम लोग को मोटा मोटी आइडिया मालूम पड़ जाएगा कि दोनों कौन ज़्यादा स्ट्रॉगर है। तो इनो के बारे में हम थोड़ा यहाँ पहले बात कर ले, क्योंकि चुल्ली के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लेना। और चलो अगर हम लोग इसका बिल्ड का बारे में बात करें तो ये हम लोग को 60% का अटैक देती है गिल्टी गियर फाइटर्स को, स्पीड हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पावर चार्ज शायद हाँ हम लोग का 20% का मिलता है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ एक्टिव स्किल पहले स्किल का कूलडाउन मिलता है 0.5 सेकंड का, जब भी हम लोग कोई भी बेसिक अटैक लैंड करते हैं उसके यहाँ हम लोग पर पॉइजन एक्सप्लोजन है। और यहाँ हम लोग का कूलडाउन बिग ट्रिगर रिसेट होता है जब भी हम लोग किसी शॉक टारगेट पर अटैक लैंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ पहले वेनम हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग का रीसेट भी हो सकता है, 70% चांस है। ये हम लोग हाइपर आर्मर के लिए जो हम लोग एयरबोन के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग पास अटैक स्पीड इंक्रीज होता है 10% से, और ये हम लोग का अटैक इंक्रीज होता है 38% से। तो इनो भी ऐसे ऑन पेपर देखा है तो काफ़ी बढ़िया ही है। और यहाँ डील्स शॉक डैमेज इक्वल 25% ऑफ अटैक फॉर 1 सेकंड। और एक समय ऐसा था कि हम इनो को स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन कैरेक्टर का टाइटल दिए हुए थे, मगर हम लोग यहाँ पहले अभी बात कर लेते हैं कि हम लोग का बिल्ड क्या होने वाला है। तो इनो को हम सिंपली गिल्टी गियर सेट ही देंगे, और यहाँ पर हम इसको देंगे मैक्सिमा कूलडाउन कार्ड, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, स्टडी रिजल्ट चाहिए हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से ये कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इस कार्ड को हटाएंगे क्योंकि ये मेरा ट्रांसेंडेड कार्ड है। और यहाँ पर सीपी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसको हटा देने से। तो हम लोग यहाँ पर से जो नॉर्मल वाला कार्ड है उसको लेकर जाएंगे, और ये वाला कार्ड जो है ये हम लोग को क्या देता है हमको याद नहीं है अभी, ये हम लोग को देता है एक्टिव स्किल डैमेज इंक्रीज। और हाँ हम देखें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि हम लोग कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, वो बता देते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग पहले स्टोन्स को अनलॉक कर लें क्योंकि हम लोग जितना उसके उतना सेम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो एक्टिव स्किल कार्ड हो गया, फिर आपका क्रिटिकल रेट कार्ड हो गया, और हम लोग का अटैक कार्ड, तो इनमें सबसे बेटर कौन सा है देखो, अगर हम लोग को अपना सीपी इंक्रीज करना है ना तो ज़्यादा बेटर ये है क्रिटिकल डैमेज वाला कार्ड लेके जाओ। और अगर डैमेज इंक्रीज करना है तो जैसे कि हम लोग सभी गेम मोड्स हम लोग जो भी करते हैं हम लोग का एक्टिव स्किल स्पैमिंग ही करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि एक्टिव स्किल वाला कार्ड यहाँ पे इक्विप कर लेना, ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से एक्टिव स्किल कार्ड और क्रिटिकल डैमेज कार्ड होता है। तो चलो ये इनो का बिल्ड आप लोग देख चुके हो, और इसके स्ट्राइकर में हम लोग पास सोल है। अब सोल ही क्यों, क्योंकि ये हम लोग को अच्छा खासा रिलेशन इफेक्ट देने वाला है जो आप लोगों को अभी दिखाएंगे हम। हम लोग का यहाँ 10% पावर चार्ज रेट इंक्रीज मिलेगा, फिर हम लोग का यहाँ पावर अटैक 10% से, फिर पावर चार्ज रेट 7% से, और हम लोग का एक्टिव स्किल कूलडाउन भी हम लोग को मिलने वाला है। और अगर बात कर ले चुल्ली का, तो चुल्ली के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, इसका लीडरशिप हाँ पहले हम लोग इसको काट देते हैं, क्योंकि चुल्ली केस में हम लोग देखें अकुमा सेट हम लोग का चुल्ली सेट ज़्यादा बेटर निकल गया, तो हम लोग इसी सेट को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग वापस मैक्सिमम कूलडाउन कार्ड दे देते हैं, अरे दूसरा में। और अगर इसका स्पेशल कार्ड की बात कर लें तो यहाँ पर हम लोग पास अटैक वाला कार्ड है, मगर हम लोग के पास शायद दूसरा कार्ड भी है एक, तो उसको देख लेते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बार के लिए चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। ये कौन सा कार्ड है, ये क्रिटिकल डैमेज कार्ड है, ठीक है, एक्टिव स्किल वाला कार्ड नहीं। तो चलो हम लोग बेसली अटैक लेकर ही जाएंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग सब कुछ फेयर रखने के लिए हम लोग ये वाला कार्ड को अनलॉक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग के स्टोन्स पूरी तरह मैक्स आउट है, कोर्स पूरी तरह मैक्स आउट है इनो के जैसे ही पूरा। और अगर स्टोन्स की बात कर लें तो स्टोन्स भी मेरे पास यहाँ तीनों स्लॉट्स में स्ट्रीट फाइटर 5 के कोलैबोरेशन वाले स्टोन्स हैं, जो कि तीनों ही डबल अटैक स्टोन्स हैं। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ हम इनो का जो सेट हम इसको दिए हुए ये ट्रांसेंडेड है, मगर हम आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि ये हमको क्या क्या इफेक्ट देते हैं। तो ये वाला कार्ड हम लोग डिफेंस का फैटर का ब्लीड इंक्रीज करता है 4.6% से, इनो एक अटैक टाइप है और उसके ब्लीड है भी नहीं, तो ये वाला जो इफेक्ट है उससे हम लोग कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद ये वाला जो हम लोग कार्ड है ये हम लोग को डिफेंस का फैटर शॉक डैमेज इंक्रीज देता है, शॉक तो है मगर डिफेंस टाइप का, तो इनो हम लोग के अटैक टाइप है तो इसलिए वो भी बेकार है। और यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, अटैक टाइप का हम लोग पॉइजन 1% इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए इन सभी
वजह से, और फिर सब चीज़ तो आप लोगों को हम दिखा चुके हैं। तो अब हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले चुनली को लेकर खेलेंगे और हम लोग को अच्छा खासा आइडिया चुनली कितना डैमेज कर सकती है, और हम लोग सिर्फ एक अवेकनिंग स्किल स्पैमिंग ही करने वाले हैं। ठीक, तो चलो हम लोग पहले शुरू करते हैं इसको और हम लोग खेलें कैसे। हम लोग सिर्फ अपने अवेकनिंग स्किल से स्पैमिंग करने वाले हैं। ठीक, जैसे पहला स्किल रोटेशन कंप्लीट, काम खत्म। तो पहले हम लोग स्किल 3 यूज़ कर लेते हैं। चलो हम लोग का 3 पीजी अनलॉक हो जाए जल्दी से। ओ भाई हम एक काम करते हैं, हम लोग का रन थोड़ा बेकार हो गया तो हम इसलिए इसको वापस रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, हम लोग पहले अपने हाइपर आर्मर स्किल को इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हम लोग का सर्वाइबिलिटी खराब ना हो और हम लोग का रोटेशन, अरे यार उसको मारना है हम लोग को, दूर चली गई वहाँ से। ठीक है, चलो 3 PG रेडी, और जैसे 3 PG कंप्लीट होगा हम लोग का, हम लोग तुरंत अपना पूरा जितना हो सके उतना जल्दी स्पैमिंग शुरू कर देंगे, और एक ही रोटेशन में स्पैमिंग रहेगा हम लोग का। ठीक है, रेडी, चलो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 81 मिलियन का डैमेज रीच किए हैं। हम लोग ये डॉट को कंप्लीट हो जाने देते हैं, और हम लोग डैमेज हमको लगता है 82.5 का हम लोग डैमेज रीच किए हैं। ठीक, तो हम लोग एक बार वापस से इसको खेलते हैं और इस बार देखते हैं हम लोग कितना डैमेज रीच कर पाते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए थे कि रूगल हम लोग का एक्सप्लोड कर ही देता है, तो जब तक एक्सप्लोड नहीं करता तब तक हम लोग डैमेज डील करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल 82.5 मिलियन का डैमेज पर हैं, और जिस हिसाब से चल रहा है हमको लगता है शायद इनो जीत जाए, वो इसीलिए क्योंकि उसके पास एक्सप्लोजन है। ठीक है, और इनो का एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हम लोग CP डिफरेंस भी अच्छा खासा है, और उसका सिर्फ यही एक कारण है कि क्योंकि गिल्टी गियर सेट हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा सेट है जो हम लोग को उस कोलैबोरेशन के दौरान मिला था, और इसीलिए हम उसको लेकर खेल रहे हैं। चलो मजबूर, कमॉन, चलो हाइपर आर्मर स्पैमिंग शुरू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 93.9 मिलियन डैमेज रीच किए, तो हम लोग इसी डैमेज को कंसिडर करने वाले अब चुनली केस में 93.9, मतलब इसको मोटा मोटी 94 मिलियन मान के चलते हैं, और देखते हैं अब इनो कैसा परफॉर्म करती है। और जिस तरह हम लोग चुनली को उसके लीडर के रूप में लेकर आए, उसी तरह हम लोग इनो को भी एज ए लीडर ही लेके यहाँ पर उतरेंगे, और हमको लगता है कि अब इससे तो और भी चुनली के ऊपर हम लोग को एज मिल जाएगा इनो को, क्योंकि हम लोग का इनो का डैमेज नहीं, लीडरशिप हम लोग 60% से अटैक इंक्रीज कर देने वाला है। तो चलो देखते हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलो हमको क्यों लग रहा है चुल्ली हम लोग की जीत जाएगी यहाँ पर। इट इज 6 87, मतलब 87 मिलियन डैमेज रीच के इनो का पहला राउंड में लेकर। ठीक है, तो अभी हम लोग चुनली थोड़ा सा आगे चल रही है इनो से, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो भी नहीं है, सिर्फ 7 मिलियन डिफरेंस है, मगर फिर भी डिफरेंस है यहाँ पर, और इस राउंड में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा बेटर है ही कौन। तो चलो गाइस, राउंड 2 हम लोग शुरू करते हैं, और इस बार अगर इनो हम लोग की 94 मिलियन का डैमेज रीच कर देती है या फिर 95, तो हम लोग बोल सकते हैं इनो ज़्यादा पावरफुल है चुल्ली के कंपेरिजन में, मगर देखते हैं। चलो ठीक है,
तो हम लोग यहाँ 93.3 मिलियन डैमेज रीच कर दिए गाइस। और चुल्ली को लेकर कितना हम लोग 92.9 था कि 93.9 था, चलो 93.9 था, तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर एक से आप लोग गौर करो कि हम लोग का सीपी डिफरेंस देखो, हम लोग का कितना है यहाँ पर, हम लोग सीपी डिफरेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है आप लोग को अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर सीपी डिफरेंस हम लोग कितना है। इनो का सीपी 107,000 का है और चुनली का सीपी 78,000 का है। तो अगर हम लोग सीपी टू डैमेज कंपैरिजन देखें तो चुनली यहाँ पर थोड़ा बेटर निकल के आ रही है इनो से। ये चीज़ यहाँ पे हम पूरा क्लियरली मालूम पड़ रहा है हम लोग को कि भाई चुनली का सीपी भली कम है मगर कंपेरेबल डैमेज हम लोग इनो ऐसे कर रही है। ये टेस्ट में हमको ये काफ़ी शॉकिंग लगा, हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है अब आप लोगों को क्या लगा था, कौन जीतेगा, जीता होगा या किसको जीतना चाहिए था, आप लोगों को नीचे ज़रूर बताना। और आप लोग किसको लेकर खेलना प्रीफर करते हो, चुनली या फिर इनो, ये भी हमको नीचे कमेंट से ज़रूर बताना। तो गाइस अगर वीडियो को एंजॉय करें तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बना बिल्कुल भूलना। और हाँ अपने जो भी थॉट्स हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।